بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم دوستو. आज के लेक्चर में हम सर्कुलर पैटर्न सीखेंगे, किस तरह से एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पैटर्न करते हैं. सर्कल लिया और डाया दिया 160, दोबारा सर्कल लिया और उसका डाया दिया 150, स्केच फिनिश कर लिया, इसको एक्सट्रूड कर लिए थे, रिंग टाइप बना दी. इसका लेंथ दे देते हैं 500, ओके कर लिया. दोबारा स्केच लेते हैं और इसका ये टॉप, सॉरी सर्कल लिया और डाया दिया 200, फिनिश कर लिया. स्पूट करते हैं दोबारा रिंग को, कम 10 कर लेते हैं और डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, जॉइंट बना देते हैं, ओके कर देते हैं. राइस का डाया ज्यादा 200 की बजाय 250 कर देते हैं, ओके. स्केच लिया दोबारा और इस सर्फेस को सेलेक्ट कर लिया, लाइन कमांड से दिया है, एक लाइन ड्रा करती हूँ. सर्कल लिया और सेंटर, लाइन का सेंटर भी 30, डाय का सर्कल लिया. लाइन डिलीट कर लिया. अब इस ऑब्जेक्ट को हम जिस तरह हमने रेक्टेंगुलर पैटर्न में 2D पैटर्न किया हुआ था, हम इसको भी सर्कुलर में भी 2D पैटर्न कर सकते हैं. अब हम इसको सर्कुलर पैटर्न करते हैं. सर्कुलर पैटर्न लिया, ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया. अब एक्सिस हम सेलेक्ट करते हैं. एक्सिस सेलेक्ट करने के लिए 2D ऑब्जेक्ट में हम इसका ये कॉर्नर पास सेलेक्ट कर लेते हैं. ये अब हम जितने क्वांटिटी बढ़ाएंगे उतने ही इसके स्केल बनेंगे. डिग्री हम भी कम ज़्यादा कर सकते हैं. अगर हम 300 डिग्री कर रहे थे, 300 डिग्री कर रहे हैं, 180 डिग्री कर लेंगे, केवल 180 डिग्री में उतने ही बनेंगे. ठीक है, ये हम 360 डिग्री और 8 कर देते हैं, ये बन गया. मगर फिर क्योंकि हमने ये 3D पैटर्न करना है, फिर ये हमारा ऑब्जेक्ट, हम जो भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसमें तो आपने ये देखा होते हैं प्लंज टाइप है, प्लंज में होल होते हैं जो इसके इस तरह दो टैप को जोड़ते हैं, इसके दरमियान एक मैकेनिकल सील लगता है और नट बोल्ट के लिए इसको टाइट करते हैं. ये एक प्लंज है, इसमें होल होने चाहिए. तो हम इसके एक होल बनाएंगे, इसको 3D करेंगे और फिर इसका 3D पैटर्न बनाएंगे. तो इसको अंडू कर देते हैं, स्केच फिनिश कर लेते हैं, स्टूड सेलेक्ट कर लिया, इसको कट कर लेते हैं. ऑटोमेटिकली ये कट हो गया और ओके कर देते हैं. अब हम पैटर्न में सर्कुलर पैटर्न पे दोबारा जाते हैं. ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, ट्री सेलेक्ट कर लिया और डायरेक्शन हम यहाँ से भी सेलेक्ट कर सकते हैं इसका, और इधर से भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं ये, और इस तरह हम
आर्ट क्वांटिटी दे देते हैं और टी 60 डिग्री रख देते हैं और ओके कर देते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव बन। इस तरीके से आप बहुत से मॉडल सर्कुलर पैटर्न के जरिए बना सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही, अगले लेक्चर में हम ऐसा ऑब्जेक्ट बनाएंगे जिसमें रेक्टेंगुलर पैटर्न और सर्कुलर पैटर्न दोनों यूज होंगे। अस्सलाम वालेकुम।